गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उस सरकार ने जो वादे किए थे 2014 में, उसमें से पहला वादा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आप लोगों को मालूम है, जो अभी एक जो सर्वे आया, उस सर्वे में 45 इयर्स के पहले कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जो अपने देश में जो बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी रैपिडली इंक्रीज हो रही है। उसके वजह से माननीय प्रांताध्यक्ष जयंत पाटिल साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में हम लोग ने जवाब दो जॉब दो ये नारा के हिसाब से हम लोग ने पूरे शहर, पूरे महाराष्ट्र में जो कलेक्टर कार्यालय है, तहसीलदार कार्यालय है, जो हमारा सर्कल कार्यालय है, उधर में हम लोग मोर्चा लेके हमारा जो आंदोलन है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज रोजगार की जो हालत है, जो 2 करोड़ की वादे किए थे मोदी सरकार ने, वो 2 करोड़ छोड़ो कि 200 भी रोजगार दिन के लोगों को मिलता नहीं है। इसलिए आज पूरे महाराष्ट्र में जयंत पाटिल साहब के नेतृत्व में पूरे तहसीलदार कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में हम लोग लोगों को, जो कलेक्टर को, तहसीलदार को और सर्कल को निवेदन दे रहे हैं कि ये किसी हालत में जल्दी से जल्दी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज रोजगार नहीं है, लोग रोजगार की हालत ख़राब है, बड़े बड़े वादे करते हैं। और इसका कारण है कि 2016 से नोटबंदी हुई, उसके बाद GST लगाई गई। आज जो असंगठित कामगार, जो लोगों को कुछ नौकरी मिलती थी, आज असंगठित कामगार की हालत इतनी ख़राब है कि कम से कम 90% लोग अपने देश में असंगठित कामगार है। 10% लोग शासन में काम करते हैं, बाकी इधर काम करते हैं। लेकिन वो लोग कहाँ जाएंगे, नौकरी की क्या हालत है? बड़े बड़े बात करते हैं, हमारे मोदी सरकार की भाषण है, बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। 15 लाख रुपये आपके खाते में जमा हुआ, क्या हुआ 15 लाख का खाते का? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये सब वादे हैं, वो वादे निभाते नहीं हैं। लेकिन 2019 में वापस सरकार हमको लाने का है। लेकिन हमको लोगों को बताना चाहिए कि जो आज हमारे साथ जो लोग बेरोजगार आए हैं, वो आप लोगों को बताएंगे कि क्या बेरोजगारी की हालत है। और शायद आप लोगों को मालूम नहीं था कि जब जो किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उसका पहला अगर प्रश्न उठाने का काम अगर किसी ने किया था, तो देश के माजी कृषि मंत्री आदरणीय पवार साहब ने किया। और ऐसा भी नहीं कि कृषि आदरणीय पवार साहब हर विभाग में, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, उत्तर महाराष्ट्र में हो, सब जगह जाके आए। और वो जाने के बाद हम लोग ने पूरा आपके पूरा ऐसा नहीं, 1.5-2 महीना हमारे जो राष्ट्रवादी के जो नेता थे, सभी लोग सभी इलाके में घूमे और लोग सरकार को दिखाया कि क्या परिस्थिति किसान की है। आप बोलते हैं इन्होंने वादा किया था कि हम लोग 34,000 करोड़ रुपये का कर्ज देंगे 90 लाख किसानों को। कितना दिया? उन लोगों का जो कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से 12,000 करोड़ रुपये भी बांटा नहीं गया। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने हिसाब से किसान को मदद करने का काम हमेशा किया है। आप लोगों को मालूम है 2008 में पूरे विश्व में अगर पहली बार 75,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया गया, तो किसने दिया था? आदरणीय कृषि मंत्री पवार साहब ने दिया।